हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.1. इन द लास्ट वीडियो वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. जस्ट सी द क्वेश्चन. अ फिगर इज गिवन. दिस इज अ फिगर ऑफ अ मेडिसिन कैप्सूल एंड द शेप इज दिस पार्ट इज सिलिंड्रिकल एंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट्स आर हेमिस्फेरिकल. Total length of the capsule is 14 mm. In the meantime, the radius, the diameter is 5 millimeter diameter. If the diameter is 5 mm from here to here and this to this, this length is 5 mm. Obviously, it is clear that this part is radius. The radius will be half. Radius will be half of the diameter. So if the diameter is 5, then radius will be 2.5. And you also know that the depth of the hemisphere is equal to its radius. So if this is 5, this diameter is 5, this diameter is 5, then the 2.5 is the radius. Obviously, this part is also taken as radius. So this one is 2.5. Similarly, this one is also 2.5. And in this way, the length 2.5 will be 5, and 5 will be minus from the total length to get the length of the to get the height of the cylinder. So now let us solve this question. We have to find out the surface area of the entire capsule. How can we find? Just look here in the solution. Okay. We have to find out the surface area of medicine capsule. The formula used will be the curved surface area of two hemispherical part and the curved surface area of cylindrical part. तो इस पार्ट का जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है दोनों साइड से इसका कर्व सरफेस लेंगे तो 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन या पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन. तो फॉर्मूला यू नो 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर. यू नो द फॉर्मूला ऑफ सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. तो जस्ट राइट हियर 2 पाई आर स्क्वायर एंड द फॉर्मूला ऑफ सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच. नाउ लेट अस सॉल्व दिस. वी कैन टेक द कॉमन एज 2 पाई एंड आर. So common 2 pi r. The things which are remaining here is 2, this 2 r plus 2 pi r is common h. 2 pi r radius, you know the radius is 2.5. So just write here 2.5 and height here means the height of the cylinder, that is the length of cylinder 9. Now this is 2 pi r and 5 plus 9, it will give 2 into 22 by 7 into r. R means 2.5, that is 5.2. This is 2.5 into 9 plus 5, 14. This is 7. Okay. Now the calculation. 44 into 2.5 into 7. Just calculate this. 25 into 7. So this is 1.5.
दिस इज 175, 17.5 एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दिस ऑफ दिस नंबर जस्ट सी हियर 175 एंड 44 सी द मल्टीप्लीकेशन Okay, see here, what the calculation is going on, 14, 14, 7 2s are 14, this is not correct here, 7 2s are 14, so this one will be 5, 5 2s are 10 and 220 mm². So this is the surface area of entire capsule, okay. Now the next question, question number 7 is a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट है और उसका शेप है सिलिंड्रिकल, ऊपर का जो पोर्शन है वो कोनिकल है, नीचे सिलेंडर ऊपर कोन, तो फिगर इसका ऐसा बनेगा, एक सिलेंडर नीचे और ऊपर है कोन, अब इस फिगर में क्वेश्चन नंबर 7, इस फिगर में हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4, हाइट है 2.1 सिलिंड्रिकल पार्ट का, तो ये हुआ हाइट 2.1 मीटर एंड डायमीटर है, डायमीटर 4 तो रेडियस हो जाएगा 2 मीटर. ऑल्सो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि इफ द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, स्लेंट हाइट ये तो हाइट है, स्लेंट हाइट है ये पोर्शन जो कि 2.8 मीटर दिया हुआ. अब नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज, इसको बनाने में जो कैनवस यूज हुआ है उसका एरिया निकालना है एट फर्स्ट, तो उसको निकालने के लिए हम लोग कर्व सरफेस सिलेंडर का निकालेंगे प्लस कर्व सरफेस कोन, तो हमारा सरफेस एरिया निकल आएगा. तो कैनवस रिक्वायर्ड या सरफेस एरिया ऑफ कैनवस लिखें, सरफेस एरिया ऑफ कैनवस इक्वल टू CSA of cylindrical part plus CSA of conical portion or conical part. सिलेंडर का CSA 2πRH, कोन का πRL, कॉमन हो सकता है पाई और R, बचता है 2H प्लस L, पाई आर, 2 इंटू एच कितना था 2.1, सिलेंडर का 2.1, स्लेंट हाइट है 2.8, कैलकुलेट करेंगे पाई आर 4.2 प्लस 2.8, पाई की वैल्यू डालें 22/7, आर की वैल्यू है 2 और ये हो जाएगा 7, ओके कैंसिल आउट 44 मीटर स्क्वायर. ये कैनवस है, कैनवस का सरफेस एरिया. क्वेश्चन एक पार्ट और है जिसमें पूछा गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर. तो कॉस्ट ऑफ कैनवस सेकंड पार्ट में, कॉस्ट ऑफ कैनवस इक्वल टू
500 इंटू 44, तो 44 इंटू 5 220 एंड 20, इट मीन्स 22,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं एंड ट्राई टू सी क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर व्हिच हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर इज 1.4, डायमीटर 1.4 है, हाफ करना पड़ेगा रेडियस निकालने के लिए, एंड हाइट 2.4 है, कोनिकल कैविटी है, उसके अंदर एक कोनिकल पार्ट है, सेम हाइट है, सेम डायमीटर है, उसको हॉलो किया गया, एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो ये बचा हुआ सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो कुछ ऐसा होगा, एक पहले हम लोग सिलेंडर बनाएंगे और इस सिलेंडर के अंदर एक कोन, ये डायमीटर हो गया, कोन ऐसा कुछ बनेगा, तो ये कोन हो गया हाइट, ऐसा फिगर है नियर अबाउट। ओके, इसमें दिया हुआ है, इन द क्वेश्चन इट इज गिवेन हाइट इज 2.4, सो दिस हाइट इज 2.4 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, एंड डायमीटर इज 1.4, सो रेडियस विल बी 0.7 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ द 1.4। ओके, तो वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम CSA लेंगे, सॉरी सारे CSA को प्लस करने पे TSA बन जाएगा, तो हम CSA लेंगे, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या सिलेंडर भी लिख सकते हैं, प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, नीचे जो सर्कुलर पार्ट बना है इसका एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। बस इसमें वैल्यू पुट करते हैं, CSA सिलेंडर का होता है 2πRH, कोन का πRL और एरिया ऑफ बेस πR², बट वन मोर थिंग इज हियर, जस्ट यू कैन ऑब्जर्व दैट रेडियस हाइट इज गिवेन बट एल स्लेंट हाइट इज नॉट गिवेन, सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्लेंट हाइट एट फर्स्ट बिफोर डूइंग दिस। तो हाउ कैन वी फाइंड द स्लेंट हाइट, यू नो द फॉर्मूला, एल इक्वल टू R² प्लस H² रूट ओवर, आर इज 0.7 एंड H इज 2.4। आई होप यू नो द कैलकुलेशन, व्हाट विल बी द आंसर, इट इज नोन टू यू, तो 7.49, 7² of 0.7, दिस इज 49, तो 0.49 प्लस 5.76, इट विल गिव 6.25 एंड दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। सो नाउ वी कैन पुट द वैल्यू, जस्ट टेक द कॉमन एट फर्स्ट, दिस इज πR कैन बी कॉमन, 2H प्लस L प्लस R, ओके πR 2H, 2H मीन्स 2 इंटू 2.4 प्लस L, व्हाट इज L, 2.5 एंड R 0.7, ओके पाई आर दिस इज 4.8 एंड इट विल बी 2.5 प्लस 0.7 3.5,
3.2. Now it is 22 by 7, r is 0.7, and it will give you 4.8 into 3.2, that is 8. You can cross this 0.1, and 22 into 8, you know 8 to just 16, 8 to just 16 and 117, and this one is the point. But in the question, it is given that ki write around the answer into the nearest value. Nearest value will be 17.6, it is nearest to 18, so we can write 18 centimeter square approx, and this is the answer. So this was question number 8. Let us move to the question number 9 now. In question number 9, figure is already given in the question. So draw the figure and see the solution. A cylindrical cylinder is there. In this cylinder, such type of part is drawn. So this figure is near about this. This is the height, and the height, what is given here in question number 9? Wooden article scooping hemisphere. Hemisphere, two hemispheres near, one this and one this side. If the height of the cylinder is 10 centimeters, so this side is 10 centimeter, and its base is of radius 3.5 centimeter. This radius is 3.5 centimeter. So find the total surface area. Total surface area equal to CSA, curved surface area of cylinder, plus 2 into CSA of hemispheres. दो हेमिस्फेयर है, एक ऊपर एक नीचे. सिलेंडर का सी एस ए होता है 2 पाई आर एच, एंड 2 into 2 पाई आर स्क्वायर. कॉमन क्या हो सकता है? कॉमन हो सकता है 2 पाई आर. बचता है यहाँ पे एच और यहाँ पे 2 पाई आर, तो एक 2 और एक आर. नाउ सॉल्व, पुट द वैल्यूज. पुट द वैल्यूज 2 पाई आर, एच की वैल्यू है 10, तो 10 लिखें. आर है 3.5, तो 3.5 इंटू 2 इट विल बी 7 आई थिंक. नाउ 2 पाई आर, 10 प्लस 7, एंड 2 into 22 by 7 इंटू 3.5 इंटू 17. 7 5 जा 35, सो 0.5. And now the calculation is 44. 17 into 0.5 equal to 8.5, I think. And now the multiplication. Just see the multiplication. What is the answer? See the calculation. 44 into 8.5, 44, 8.5. This is 374 centimeter square.
and this is the answer of question number 9. I hope the answer is correct. So this is all for today. Meet you soon in the next video. Thank you.